नमस्कार, आज मैं आपको एक ऑटोमेटिक स्कूल बेल सिस्टम या सायरन सिस्टम का डेमो दिखाने जा रहा हूं। ये दो मोड में ऑपरेट करता है, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। मैनुअल मोड और ऑटोमेटिक में स्विच करने के लिए यहाँ बटन मौजूद है। अभी फिलहाल ये ऑटोमेटिक मोड में है। यदि हम इसे मैनुअल मोड में कर देते हैं तो यहाँ बाईपास लिखा हुआ आता है, तब ये जो ग्रीन कलर का बटन है ये इसका ऑन बटन हो जाता है, तो ये चालू हो कर सकते हैं और इसको प्रेस करने पे ऑफ करने पे बंद हो जाएगा। ये एक नॉर्मल इमरजेंसी में या किसी हम जब शेड्यूल में नहीं चलाना चाहते हैं तब ये बटन काम में आता है। ऑटोमेटिक मोड में इसमें हम जो टाइम फीड करेंगे ऑटोमेटिकली ये उस टाइम पर रोज बजने लगेगा। अभी इसको यूज करने का एक सिंपल सा तरीका है, आई विल गाइड यू। स्क्रीन पर स्टैंड बाय मोड में हमेशा टाइम लिखा हुआ आता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज 4:18 राइट नाउ, शाम का है। ये 24 आवर्स क्लॉक रहता है इसमें, तो ये 24 घंटे की क्लॉक के हिसाब से 4:18 का टाइम डिस्प्ले कर रहा है। इसके अंदर एक दिन में हम 24 टाइम्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, मतलब 24 टाइम्स इसको ऑटोमेटिकली बजाया जा सकता है या यूज किया जा सकता है। ये इसका मैक्सिमम लिमिट है। हर टाइम को इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारा टाइमिंग जो है शिफ्ट स्टार्ट होने का या स्कूल स्टार्ट होने का सवेरे 8 बजे है, तो हम 8 बजे कितनी देर के लिए बजाना है, फॉर एग्जाम्पल हम उस समय 5 सेकंड के लिए बजाना चाहते हैं, वो सेट कर सकते हैं। असेंबली या हमारा लंच टाइम यदि 1 बजे चालू हो रहा है तो उसको हम 10 सेकंड के लिए करना चाहें तो 10 सेकंड कर सकते हैं। हर टाइम को इंडिविजुअली कन्फिगर किया जा सकता है। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, सेटिंग्स का बटन हम प्रेस करेंगे तो ये पहला टाइम कब बजाना है वो डिफाइन कर रहा है। हम इसको 9 को यदि इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने उसमें प्रोग्राम किया है 9 को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज का बटन यूज कर सकते हैं। यदि ये टाइमिंग सही है तो हम एंटर दबा के नेक्स्ट पे आ सकते हैं। अब आवर सेट करने के बाद हम मिनट सेट करेंगे, मतलब पहला बेल जो हमारा या सायरन बजेगा वो दैट विल बी एट 9 AM, कितनी देर के लिए बजेगा तो ये अभी हमसे पूछ रहा है, तो ये सेकेंड्स में है तो ये 5 सेकंड के लिए बजेगा। सेकेंड टाइम कब बजेगा तो ये 13 मतलब दिन में 1 बजे जब लंच होता है तब बजेगा। एग्जैक्टली मिनट्स में हमारा 1 बजे एग्जैक्टली बजाना है, इसलिए हम 13:00 आवर्स करेंगे। तब ये कितनी देर के लिए बजेगा, तब ये 5 सेकंड के लिए बजेगा। सिमिलरली थर्ड टाइम 13:30, 1:30 पर ये लंच होगा, तभी भी ये 5 सेकंड के लिए बजेगा। और चौथा जब मेरा शिफ्ट एंड हो रहा है दैट विल बी अराउंड 5:45, तब हम इसको यूज करेंगे। तो ये उस समय भी हम 5 सेकंड के लिए इसको चलाएंगे तो ये 5 सेकंड का डिस्प्ले दे रहा है। अब जैसे ही हम इसको एंटर को प्रेस करेंगे तभी हमसे पूछेगा कि अभी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमको RTC रियल टाइम क्लॉक टाइमिंग्स चेंज करने हैं तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये उस पूछने के बाद अभी पूछेगा आज दिन कौन सा है, तो आज दिन फ्राइडे है तो इट इज डिस्प्लेइंग फ्राइडे। अब हमको किस दिन इसको ऑन रखना है और किस दिन ऑफ रखना है ये भी हम इसमें कन्फिगर कर सकते हैं। Day 1 फॉर एग्जाम्पल मेरा मंडे है, मैंने इसको भी 6 डेज के लिए प्रोग्राम कर रखा है। हम चाहे इसको 7 डेज के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं, तो मंडे, फिर डे ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसी तरीके से इसमें प्रोग्राम्ड है। और संडे हमने इसमें चूंकि ऑफ कर रखा है इसलिए वो हमसे संडे की सेटिंग नहीं पूछेगा। इसमें हम जैसे इसको सेव कर देंगे ये बाहर होके आ जाएगा। ये डॉट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हम स्टैंड बाय मोड में आ चुके हैं और ये ऑटोमेटिकली उस टाइम पर चलता रहेगा। इसको जब भी हमको मैनुअली वैक चालू करना है तो हम इसको यहाँ मैनुअली करने के बाद इसको हम ऑन कर सकते हैं, और ऑफ करने के लिए बटन है। थैंक यू।